अब देख लीजिए चंपई सोरेन से लेके बाबूलाल मरांडी सारे घुसपैठियों का क्या हाल हुआ। हेमंत सोरेन सबको सेफ करके रख लिए, अब ना ही यहाँ कोई कटेंगे ना ही बटेंगे। सरना धर्म कोड को लागू नहीं होने दिया, अभी भी समय है चेत जाएं। झारखंड तोड़ने की बात करने वालों की हार हुई है। जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो अपने कार्य झारखंड के हित में जो कार्य किए हैं उसका ये जनता ने इनाम दिया है। इस वक्त हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय के समक्ष हम खड़े हैं और हम दिखाना चाहेंगे जिस तरह से ये जो रिजल्ट सामने आया और रिजल्ट सामने आने के बाद जो है महागठबंधन की जो बढ़त जो दिखाई दी इससे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं वो बहुत खुश में। क्या कहेंगे दादा? कहना क्या है, जिस तरह से यहाँ घुसपैठिए नैरेटिव सेट कर रहे थे, घुसपैठिए चिल्ला रहे थे, लेकिन आज वह घुसपैठिए खुद थे, वह घुसपैठिए आज झारखंड को घुसपैठ मुक्त करके चले गए। आज यहाँ ना तो आसाम के घुसपैठिए हैं, ना मध्य प्रदेश के घुसपैठिए हैं, ना यूपी के घुसपैठिए हैं, छत्तीसगढ़ ना उत्तराखंड के कि कहीं के घुसपैठिए आज नहीं है। झारखंड आज घुसपैठ मुक्त हो गया और जो कहते थे कि बटोगे तो कटोगे इनका उल्टा पड़ गया दांव और पूरा झारखंडी एक हो गया और सब झारखंडी सेफ हो गया। हेमंत सोरेन सबको सेफ करके रख लिए, अब ना ही यहाँ कोई कटेंगे ना ही बटेंगे किसी को नहीं। हिंदू मुस्लिम सरना सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई, यही यहाँ चलेगा झारखंड में। और कोई किसी तरह का जाति में बांटने का, धर्म में बांटने का ये राजनीति यहाँ नहीं चलेगा। ये झारखंड की जनता ने दिखा दिया है और हम 60 से प्लस जाएंगे। 5 बजे तक देखिएगा कि 60 से प्लस झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस जाएगा। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता है, जिस तरह से बीजेपी जो है हमेशा घुसपैठ की बात की है तो इन्होंने बीजेपी के नेता को ही घुसपैठ करार दिया है। क्या कहेंगे, लगातार जो है रुझान जो है आपके पक्ष में आ रहा है। देखिए रुझान तो हम लोगों के पक्ष में होना ही था, जैसे बीजेपी हर इलेक्शन के पहले हथगंडे अपनाती है उसमें से कॉमन है जातिवाद, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स दे के गए हैं उसको बीजेपी ने अडॉप्ट करने का काम किया। दूसरे अबर जब इनफिल्ट्रेटर घुसपैठिया का बात किया, ये इलेक्शन के टाइम ही क्यों आता है? और पूरे सेंटर में तो आपका राज है, बॉर्डर पुलिस मोस्ट ऑफ द फोर्सेस पे सेंट्रली BSF वगैरह आपका राज है, फिर घुसपैठिए कहाँ से आ रहे हैं? आसाम में सरकार पिछले 10 सालों से है, वहाँ घुसपैठिए क्यों नहीं कंट्रोल हो पाया? तो घुसपैठिए झारखंड में कहाँ से आएंगे? उन लोग संथाल परगना का एक अलग रूप लेके उसको मैटर बनाते हैं, बट नाउ द थिंग इज दैट कि वी ऑल आर अवेयर्ड ऑल पब्लिक इन झारखंड आइदर दे आर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी और टू द अपर कास्ट, वी ऑल आर अवेयर अबाउट द सिस्टमेटिकली स्ट्रेटजिक अडोप्टेड बाय द बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। और हम लोग सबको पता है कि ये पार्टी है जो अपने फायदे के लिए अपने बेनिफिट के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं, आइदर वो तोड़ने का हो जोड़ने का हो किसी को डराने का हो धमकाने का हो, वो पावर और सत्य के नशे में चूर हो गई है और जो अपने हमारे झारखंड राज्य में वो लाने की कोशिश कर रही, बट अब ये नहीं चलेगा। और ये आम समर्थन जनसभा जो हम लोग को बताया और आज हम लोग 60 प्लस जो कर रहे हैं उन्हीं की शिकार, उन्हीं कूटनीतियों की शिकार। बधाई हो भाई। देखिए JMM जो है बड़े बड़े जिस तरह से बातें कर रही है तो उसमें जो है कहीं ना कहीं कामयाब साबित हुई है और यहाँ पर जो है JMM जो नेता है और कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार यहाँ पर जमावड़ा जो है लग रहा है और तमाम यहाँ पर जो नेता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि विनोद जी यहाँ से गए हैं जो केंद्रीय महासचिव है और प्रवक्ता भी है, तो यहाँ से कई बड़े नेता जो है यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइए कि क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? नहीं, बहुत अधिक खुशी है। जो नैरेटिव यहाँ पे गढ़ा जा रहा था उसकी हार हुई है। देखिए विकास बोलता है, हम लोगों के जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो अपने कार्य झारखंड के हित में जो कार्य किए हैं उसका ये जनता ने इनाम दिया है, मेहनताना है। अब झूठ और फरेब में कोई आने को थोड़ी ना है। अब बांग्लादेश घुसपैठ, अरे भैया बीजेपी में तो घुसपैठ हो गया है। अब देख लीजिए चंपई सोरेन से लेकर बाबूलाल मरांडी सारे घुसपैठियों का क्या हाल हुआ। अभी तो उनको पता चल गया होगा, जो बोलते थे सूर्य नहीं देखेगा, सूर्योदय नहीं होगा 24 तारीख को 23 तारीख को, उस आंसू का भी क्या गति हुआ। OBC के साथ कुटरघात इन लोगों ने किया, सरना धर्म कोड को लागू नहीं होने दिया, अभी भी समय है चेत जाएं।
अन्यथा सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी तो कुछ बच भी गए हैं, अन्यथा एक भी नहीं रहेंगे झारखंड में। तो सुधरे, हम लोग तो यही अपील करेंगे, सुधरे, जनहित में सरकार का जो कार्य कर रही है सरकार का मदद करें। हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे, यही हम लोग का भरोसा है कि बीजेपी के लोग, आसू के लोग, अब शायद उनको सही रास्ता दिखेगा और वो झारखंड की उन्नति तरक्की के लिए आगे आएंगे, सरकार के से का मतलब साथ में हाथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, विपक्ष रहे या सत्ता पक्ष रहे, कि सभी का ध्येय तो एक ही है कि जनता का विकास हो। तो अगर हेमंत जी कार्य करने में लगे हुए हैं तो मदद करें, हम लोग तो यही कहेंगे। कहीं ना कहीं जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है उत्साहित है और उत्साहित होकर जो है बीजेपी पर आप लोग पलटवार कर रहे हैं, ठीक है, क्या आप क्या कहेंगे? ये जो प्रचंड जीत हुई है, झारखंड तोड़ने की बात करने वालों की हार हुई है, और जो घुसपैठियों को जबरदस्ती झारखंड में मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे थे उनकी हार हुई है, और ये माननीय हेमंत सोरेन के चाहने वालों की जीत हुई है। यहाँ के झारखंडी आदिवासी मूलवासी यहाँ के आधी आबादी महिलाओं का ये प्रचंड जीत है, प्रचंड जीत है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भैया आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई। कहने का मतलब है भैया, पूरे झारखंड प्रदेश में 81 विधानसभा है और 81 विधानसभा में 3.5 करोड़ जनता जनार्दन में आज इन लोग अपना मतदान का प्रयोग करके आज पूरा झारखंड प्रदेश में प्रचंड बहुमत से माननीय हेमंत सोरेन को जनता जनार्दन ने आज एक सिंहासन में बैठाने का काम किया। इसके लिए कोटि कोटि बधाई हो। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए लोग चील कौओं की तरह पूरे आसमान में 50 हेलीकॉप्टर लेकर के इन लोगों ने मंडरा रहा था, इसका मंसूबा नाकाम हो गया और इन लोग झारखंड से फेल हो गया। अब इन लोग कोई आसाम, कोई राजस्थान, कोई गुजरात, सारा लोग वापस भाग चुका है और पूरे झारखंड में 3.5 करोड़ जनता का प्रचंड लहर चुका है और सिंहासन पर माननीय हेमंत सोरेन इस गद्दी पर बैठेंगे और 5 साल पूरे झारखंड प्रदेश में विकास का गाथा गाई जाएगी, पूरे झारखंड प्रदेश के एक क्षेत्र में विकास का लहर दौड़ेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। देखिए, ये जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता है और उन्होंने जिस तरह से अपने शब्दों से जो है भाजपा पर पलटवार किया है, तो ये जीत का जो है वो खुशी जो है व्यक्त कर रहे थे, कहीं ना कहीं उत्साहित नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार बढ़त नज़र आ रही है, वैसे वैसे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। तो जीएन भारत के लिए मोहन कुमार रांची से। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।